परिमंडल क्रमांक 4 के उपायुक्त नूरुल हसन के मार्गदर्शन में उनके दस्ते ने एक स्थान पर चल रहे क्रिकेट सट्टा अड्डे पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। आईपीएल के दौरान शहर में क्रिकेट सट्टा अड्डे पर हुई यह पहली कार्रवाई है। इसके चलते सट्टोरियों में खलबली मच गई है। डीसीपी नूरुल हसन के दस्ते ने कल रात हुड़केश्वर थाना क्षेत्र के नील कमल नगर में आईपीएल टी20 मैच पर खेले जा रहे सट्टे का भंडाफोड़ कर छापामार कार्रवाई की। उस समय लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जा रहा था। पुलिस ने सट्टा अड्डे से आरोपी नील कमल नगर नरसाला निवासी अमित कुमार हरिनारायण साहू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके साथ ही पवन राय की तलाश है। पुलिस ने अड्डे से 59,000 का माल बरामद किया, जिसमें नगद 14,700 रुपए, 4 मोबाइल टीवी आदि का समावेश है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए हुड़केश्वर पुलिस के हवाले किया गया। यह कार्रवाई दस्ते के प्रमुख एपीआई महेंद्र पाटिल के नेतृत्व में एएसआई सैयद मुश्ताक, हवलदार अनिल येनुरकर, हवलदार संजय सोनावड़े, हवलदार रणजीत नायक, पुलिस सिपाही ज्ञानेश्वर मानते, सिपाही हेमंत पराते, सिपाही रोहन चौधरी, सिपाही दीपक सक्करदरा थाने, महिला पुलिस सिपाही वैशाली ने की। मी डीसीपी झोन 4 पथक हे परिमंडळ हद्दीत पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला माहिती मिळाली की टाटा IPL 2022 लखनऊ वर्सेस दिल्ली ही जी IPL ची मॅच आहे, या IPL च्या मॅचवरती हुडकेश्वर हद्दीत अमित साहू नावाचा इसम हा त्याच्या राहत्या घरी मोबाईल फोनवरती IPL ची बेटिंग घेतो आहे, अशी माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही सदरची माहिती ही आमचे परिमंडळचे DCP श्री नूरुल हसन साहेब यांना सांगितली। त्यानंतर त्यांच्या आदेशाने सदर ठिकाणी जाऊन छापा कारवाई केली। नीलकमल नगर नरसाळा या ठिकाणी सदरचा अमित कुमार शाहू हा इसम त्याच्या राहते घरी मिळून आला। त्याच्यावरती छापा टाकल्यानंतर छापा दरम्यान त्याच्याकडे तो त्याच्या मोबाईलवरती APP नावाच्या ॲप, ह्या ॲपवरती मोबाईलवर संपर्क करून तसंच TV समोर लाईव्ह बघून त्याच्या ओळखीच्या आणि इतर लोकांकडून IPL च्या मॅचवरती सट्टा घेत होता। त्याच्याकडून आम्हाला 4 मोबाईल, एक LCD TV, कॅल्सी, 14,700 रुपये कॅश आणि इतर आवश्यक साहित्य मिळाले, ते आम्ही पंचनाम्याने जप्त केलं आहे। तसंच तो जो IPL चा सट्टा घेत होता तो सट्टा हा त्याच्या ओळखीचा एक इसम पवनकुमार राय याच्याकडे कटिंग देत होता। गुन्हा कारवाई दरम्यान आम्ही पवनकुमार राय याच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे आणि सहावरी गुन्हा दाखल केला आहे। दरम्यान अजून तपासात काय निष्पन्न झालं तर इतरही आरोपी निष्पन्न करून त्यांना गुन्हा घेणार आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।